बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अंतिम जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का खुलासा कर दिया कि मौजूदा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने धमदाहा विधानसभा में आखिरी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि वह 2020 के बाद अब राजनीति से खुद को अलग कर लेंगे। उन्होंने अपने इस चुनाव को आखिरी चुनाव बताते हुए लोगों से आखिरी मौका देने की अपील की। नीतीश ने कहा कि अंत भला तो सब भला, इसलिए आप आखिरी मौका दें। मान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। तो आप सबने आश्वस्त किया, आपकी सहमति से हमने जीत का माला समर्पित कर दिया। अब परसों एक एक आदमी वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। अब तक जितना विजयी बनाए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा वोट से विजयी बनाइएगा, यही हम आग्रह कर रहे हैं। और देखिए, बहनों को हम कहेंगे अरे आप ही के लिए तो सब ज्यादा काम किया, तो इसलिए आपसे आग्रह है कि परसों सुबह तैयार होके पहले वोट दे दीजिएगा, और वोट देने के बाद आइएगा तो घर में खाना बनाइएगा, खाइएगा, और घर के बाकी लोगों को भी कह दीजिएगा कि जाओ पहले वोट दे के आओ तब खाना खिलाएंगे। इसलिए सब लोग वोट देंगे, भारी संख्या में वोट देंगे और भारी मतों से विजयी होंगी और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को केंद्र और राज्य मिलकर के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हम सब बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में परिणत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो वचन दिया, आश्वासन दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।